नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को लेकर के पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में जो गरीब असहाय मजदूर हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। इस वक्त हम मौजूद है कमला नेहरू नगर में, और आप ये तस्वीर देखिए यहाँ पर कि ये वार्ड नंबर 30 में आता है, और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम लोग जो हैं वो बराबर के हिस्से में यहाँ पे रहते हैं। अभी रमजान भी चल रहा है, और लोग जो मुस्लिम भाई हैं वो अभी रोजा में हैं, लेकिन न यहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था की गई है, और न ही यहाँ पे कोई सूखे राशन कभी बांटे गए हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि सिर्फ जो भी लोग आते हैं यहाँ संतावना के रूप में देकर चले जाते हैं। ये जो बस्ती है ये लगभग 5000 की आबादी है, और यहाँ पे न पीने की पानी है, और न ही यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था की गई है। अब देखिए कि आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? हम इन्हें से लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रही हैं? इसमें पानी है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है पानी? नहीं है पानी के, तभी तो उन्हें से ला। मेरा बहन का कल है जिससे पानी, उसी से लाते पीने खाने के लिए। आपका नाम क्या है? फिरोजी खाते। आप अभी रोजा में हैं? नहीं, रोजा में नहीं है। आप लोगों को कितना दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत होगा, नहाने का, पीछने का, हर चीज का दिक्कत है। यहाँ पे शौचालय भी बनाया गया है? नहीं बना, शौचालय भी नहीं बने। तो आप लोग कैसे इस बस्ती में रहते हैं? हम लोग बस्ती में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से ये जो बता रही हैं यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय जो लोग हैं, वो उनको काफी दिक्कत हो रहा है, और ऐसे लगता है कि जैसे इस बस्ती का कभी किसी तरह का कुछ जो स्रोत है, आय स्रोत हो, या फिर जो आगे की ओर जो विकसित करने वाले हो, वो वैसे नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे कुछ जो औरतें यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों को यहाँ पे किस तरीके का दिक्कत होता है? हर चीज़ की दिक्कत है, खाने के पीने के, खाना मिलता है, कच्चा मिलता है खाना, कच्चा रहता है, और इसे पेट झाड़ देता है, खाते खाते। यहाँ पे लोग सूखा राशन लेकर के आते हैं या नहीं? नहीं, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता हम सब। इतना से जब तक लॉकडाउन अथी हुआ, जब सब कुछ नहीं मिला, लॉकडाउन लगा हुआ जब। आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? पानी लाते हैं रोड पर से। यहाँ पे नल की व्यवस्था नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है। शौचालय भी नहीं है? शौचालय भी, बाथरूम जाते हैं। आपका नाम क्या है? मदीना। अभी आप लोग का रोजा भी तो चल रहा है ना? रमजान चालू हुआ है जी। कैसे करके रमजान कट रहे हैं हम सब जान रहे हैं। यहाँ आपके जो 21 नंबर के जो वार्ड पार्षद हैं, वो यहाँ पे देख रेख करने आते हैं या नहीं? नहीं आ रहा है। तो ये जो यहाँ के जो औरतें जो बता रही हैं, ये लोग काफी नाराज हैं, और लोगों से बताने से भी ये लोग कह रहे हैं सिर्फ लोग यहाँ पे आते हैं और इन्हें संतावना के रूप में देख करके चले जाते हैं। ऐसे में ये यहाँ के जो तमाम जो संकट है वो दूर नहीं हो पा रही। आप देखिए यहाँ तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे कुछ जो औरतें हैं वो अपना किसी तरीके से जीवन को गुजारने के लिए, अपना जो पारिवारिक जो है वो, आप यहाँ पे ये फल का दुकान लगा करके बैठी हुई है। गरीब आदमी है, सब बेच रहे हैं जरा मना कुछ कुछ लाके। अब क्या करे, न कनु आवे में बनता है, न कनु जाए में बनता है, तो वही बेचते हैं। कितना दिक्कत होता होगा आपको? बहुत दिक्कत है, एक साथ खाना बनता है, एक साथ पांच गो है, एक साँझ बनता है, एक साँझ ना बनता है, ये तो बताता है तब जरा हमने के जान है क्या करें। सरकार के तरफ से आप लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई है? कुछ ना मिला है। जो यहाँ के वार्ड पार्षद है वो भी आपसे मिलने नहीं आए कभी ना? तो आप देखिए कि यहाँ पे इतनी ज्यादा जो तकलीफें हैं ये लोग झेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, चाहे वो टेम्पू चलाने वाले हों, या फेरी लगाने वाले हों, या फिर दैनिक मजदूर हों। आप लोग कैसे अभी लॉकडाउन में रह रहे हैं? बहुत स्थिति खराब चल रहा मैडम। यहाँ का वार्ड पार्षद पिंकी देवी है, वो भी आता है रोड पर से घूर के चल जाते हैं, बोलते हैं लॉकडाउन में अपना खाना मिल रहा है उधर लंबर में लगा कर लो, एक टाइम देता है एक टाइम नहीं देते हैं। अब कुछ लोग आता बांटे तो मुँह देख देख के देते हैं, बोलते हैं कि इस लोगों को कुछ कमी नहीं है, टेम्पू नहीं चल रहा है, ठेला नहीं चल रहा है, मतलब यही सब का बहाना है। आओ का कुछ लोग मुँह देख देख के बांटते, आओ का इसमें हम लोग के तो कुछ मिल रहा नहीं। अभी बोला कि गरीब जनता के पैसा भेजेंगे, वो भी पैसा नहीं भेज रहे हैं,
सरकार क्या करे नहीं करेंगे। ठेला वाला का लाइसेंस खोजता है, ठेला वाला का लाइसेंस अभी पहले बनाए थे, अब उजर गया लगी में तो बोलता बोलता पैसा वैसा नहीं मिलेगा ठेला वाला के, अब लाइसेंस रहेगा तब ना मिलेगा। अब इसी बात क्या है, अब यहाँ पे लगभग कितने आबादी के लोग हैं? 30-40 हज़ार होंगे, 30 से कम नहीं, 30 हज़ार से कम नहीं होंगे बस। तो आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से लोग अभी लॉकडाउन में यहाँ पे अपने आप को रह रहे हैं, और इन लोगों को काफ़ी संकट अभी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए कि ये जो बस्ती है वो काफ़ी लंबी है और यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, और हर व्यवसाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो रिक्शा ठेला चलाने वाले हों या फिर मजदूरी करने वाले हों। या आप देखिए यहाँ तस्वीरों के माध्यम से कि एक वहाँ पे नल लगा हुआ है और वहाँ पे लोग जो हैं वो किसी तरीके से अपने आप को जीवन यापन कर रहे हैं। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार थोड़ा नाले की तरफ लेकर के जाएं, तो यहाँ पे देखिए कि जो शौचालय ये लोग जो बनाए हुए हैं वो अपने ही तरीके से बनाए हुए हैं, कपड़ा से ढक करके और घेर करके इसको बनाया गया है। लेकिन जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजना है शौचालय बनाने की, वो यहाँ पे फेल नज़र दिख रही है, क्योंकि जो नाले के किनारे हैं वो देखिए कि यहाँ पे कितनी गंदगी लगी हुई है। तो ये एक तरफ से स्वच्छ भारत अभियान जो है वो फेल नज़र देखते नज़र आ रहा है। और आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि ये जो बस्ती है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, ये लोग सारे सुविधा से वंचित हैं, चाहे वो। तो वो भी मुस्लिम भाई का जो पवित्र रमजान है वो भी शुरू हो गया है, देखिए कि यहाँ पे लोग रोजा रखे हुए हैं। और आप लोग को कितना दिक्कत हो रहा है अभी रोजा के समय में? बहुत दिक्कत हो रहा है, अफ्तार करने का दिक्कत हो रहा है, रोजा नमाज पढ़ने का दिक्कत, सबसे परेशान तो आदमी है, खाने पीने का दिक्कत, नमक से कभी ऐसी कुछ है, पहले खाने पीने का कुछ नहीं, स्कूल से भात रहते हैं, बाल बच्चा को मांग मांग के खिलाते हैं, और सब चीज के तो दिक्कत है, बाकी यहाँ माहौल सब बढ़िया ठीक है, चावलों आता था खाते हैं, भूखा प्यासा तो जान जा रहा है, कोई साधन नहीं, इतना सैकड़ती चावल है कोई नहीं दी, कोई चीज नहीं दी से सरकार, चाहे कहूँ से कोई नहीं दी से, इतना बढ़ता है हम लोग के कहूँ से नहीं, वोट देते हैं हम लोग, वोट देते हैं सब चीज, हम लोग वोट देते हैं, नाम भी है सब चीज है, राशन कार्ड में जो अभी सब लोग के खाते में 1,000 रुपया आ रहा है, नहीं आया हम लोग के, नहीं आया हम लोग के, खाली राशन मिला, वो चावल का मिला है अरवा चावल, जाके कोना में नीतीश कुमार बैठा हुआ है, हम वोट घड़ी सब हम लोग गरीबता में, जो हमने सबको चावल मिला है, गायो भैंस नहीं खा रहा, बकरियों को देते थे नहीं खा रहा है, बोलिए हमने सब आई से 70 बरस से इस मोहल्ला में, 70 बरस से हमारा बाप दादा जितना है सब गुजर गया, काम नहीं, फेरी नहीं करते, लेबर है, लेबर मजदूरी है, यही सब घर बालू छरी उड़ी लेबर का काम करते हैं। तो अभी आप लोग कैसे लॉकडाउन में रह रहे हैं? हम लोग कैसे रह रहे हैं भाई, जैसे तैसे खाते, नियम हम लोग का पालन किया उस तरह से हम लोग पालन कर रहे हैं, सरकार का उल्लंघन हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी तरह से भूख प्यास मर के घर में रहते हैं, अच्छी से सुरक्षित से हैं, खाने के लिए जो भी मिला मिडिल स्कूल नीचे आए कम से कम बेचारा वो सहायता जो भी करें सहायता मिडिल स्कूल से मिल रहा है, कैसे कर पाए, राशन का प्रबंध यहाँ सरकार नहीं कर पा रहा है, क्या ढंग से है, क्या कैसे भूखल है, क्या प्यासल है, वो सरकार प्रबंध नहीं कर रहा है। यहाँ पे लगभग कितने आबादी में आप लोग रहते हैं? यहाँ हम लोग बहुत सा ढेर सा, आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 70-80-90 साल से ही हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उस समय से आप लोग के प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं आया? नहीं, यहाँ पे नल वल का भी सुविधा दिया? कुछ भी नहीं है, नल जी नहीं, कुछ नहीं, शौचालय है तो एगो अंदर में है, ऐसा ही एकदम गंदा रहता है, नहीं तो उसी रही है, पानी का साधन रहता है, हर चीज रहता है, 5 रुपया दीजिएगा तभी ना शौचालय जाइए, थाना में जाओ हम उससे समझ लेंगे, सुमित बोलता है, और डर के भागाता है कि तुम्हारा रखे हुए हैं, तुमको कर्जा खाए हुए हैं कि तुम लोग के हम देंगे, नहीं मिलेगा जाओ,
जो करना है, राशन कार्ड है ना, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड में राशन मिलता है तो कितना दिन खाएंगे राशन? बहुत सारा हुआ राशन है, बोलिए तो ला कर दिखा देते हैं आपको। जो आदमी, हम लोग आदमी नहीं है, गरीब है तो हम लोग आदमी नहीं है, पूरा पर बिगा हुआ अनाज हम लोग खाते हैं। अरे जैसा जीवन है आपका वैसा ही जीवन तो मेरा है। जो हम लोग इस तरह से राशन मिलता है या इस तरह से लोग परेशानी मोहल्ला वाला करता है, किसके घर में नहीं है, जितना नेता सबको घर में आया है। बाकी राशन आधा रात के बढ़ता है, 10 बजे 9 बजे बढ़ता है, और सुबह जब हम लोग पूछते तो कहता तुम लोग कौन बोला है, तुम लोग झूठे हल्ला किया है, हम लोग किसी को कुछ नहीं दिए हैं, समझे? अपना परिवार के देते हैं, आधार कार्ड धुबन ले गया, आधार कार्ड का नंबर ले लिया, सब चीज ले गया, ऐसा वो चिन चिन के शकल पर दे रहा है राशन। किस तरह से देख रहा है, मतलब किस तरह पहचान के, मतलब फोटो में भी है ना, फोटो भी हीचे में है, सब चीज हीचे में है, सब चीज चिन चिन के आदमी को दे रहा है राशन, फोटो भी हीचे में है, उसको रिकवरी कर लीजिए। कोई नहीं है, हल्ला ना कर, देखिए कोई सारा अनाज मिला है 20-20 किलो, देखिए खाना मिलता है वहाँ पर, खाना मिलता है वहाँ पर मेरे स्कूल में, जो दाल भात मिलता है, साँझ में 11 बजे भात मिलता है, दिन को शाम को मिलता है, वही बाल बच्चा खाते हैं। और नहीं कोई सरकार में देखे नहीं आया, एक सरकार तो हमको देखे, कोई सरकार ने कहीं कहीं से आया कि आज सरकार आएगा, आता राशन बांटने के लिए तो बांट के उधर से सब भाग जाता है, मगर ये मोहल्ला में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आया। दीदी जी किसका से बात बोले, कोई सरकार नहीं देखे, नजर उठा के रह गया, क्या भूख मर रहा है कि प्यास मर रहा है कि क्या हो रहा है, ना क्या हो रहा है मोहल्ला में हो रहा, कोई कुछ नहीं। और क्या बोले, तो देखिए भूख, देखिए बच्चा सबको, देखिए देखिए नजर उठा के देखिए सबके, बच्चा सबको खाना नहीं मिलता है, जाता था कोई ना चुटकिया मार देता है, मजाक कर देता है, बेटी बहू को कर देता है, कितना मजाक लगता है, बता तो जरा कहां पर देखिए, कहां पर क्या छह बार दिए हैं, कहां पर लिख के दिया है, कोई सुनता नहीं, हां कल देंगे, कल देंगे, ये देंगे, मगर आज देंगे, कल देंगे, दो महीने का नहीं देते। और हमारे को नल करा जाना चाहिए, गरीब दुखिया के कैसे नंबर बांट के हम सब हैं, मगर वो नल के नहीं करा नहीं, पानी के बस तकलीफ है, पानी शौचालय ना पानी दूंगा, तब देखे तकलीफ है, पानी हम सब रोड पर जाते हैं, रोड पर जाता है, मजाक कर देता है, कोई चुटकिया मार देता है, बेटी या बहू गरीबों के बेटी रहता है या अमीरों के बेटी रहता है, बहू सबको रहता है, सबको एक ना खा गया, मगर गरीब को कोई इज्जत नहीं रहता, कैसे बेटी जा रहा है, कैसे बहू जा रहा है, कैसे कौन जा रहा है, कोई कोई ध्यान नहीं करता है। तो आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि ये काफ़ी मार्मिक तस्वीर है, और यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी सुविधा जो है वो सरकार के तरफ से नहीं मिल रहा है, ये लोग सारे सरकार के जो सुविधाएं हैं उनसे ये लोग वंचित हैं। आश्वासन के तौर पे चाहे वो वार्ड पार्षद हो या फिर जो विधायक हो, नेता हो, सभी लोग सिर्फ संतावना के रूप में दे करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को कभी कोई देखने तक नहीं आया। इन लोगों की जो संकट है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि न यहाँ पीने का पानी है, न शौचालय है, किसी तरह से ये लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे दोस्त परिवार महफिल सबके साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी अपना सहयोग बनाए रखिए, धन्यवाद।